तो यार भाई आज हम ऐसा फव्वारा बनाने वाले जो कि एक जादुई फव्वारा होने वाला है, ना तो वो बैटरी से चलेगा ना किसी इलेक्ट्रिक कनेक्शन के द्वारा हमारा चलने वाला है। तो उसको कैसे बनाते हैं इस वाली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं और इस वाली वीडियो को देखकर आपको यकीनन बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चालू करते हैं इस वाली वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नाओ तो सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। तो भाइयों यहाँ पर सबसे पहले मैं एक थर्माकोल सीट ले लेता हूँ और थर्माकोल सीट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं हम ताकि हमारा जो फाउंटेन है वो पानी के ऊपर तैरता रहे। यहाँ पर आप किसी भी थर्माकोल का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टीवी के अंदर निकलता है, फ्रिज के अंदर निकलता है, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। और अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस शीट में से एक बिल्कुल डिस्क हम यहाँ पर कट कर लेंगे, राउंड सर्किल का जो हमारा पहिया होता है उस टाइप से यहाँ पर एक शीट कट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं मार्किंग लगाकर इसको कट कर लेता हूँ। फ्रेंड यहाँ पर मैंने इस डिस्क को कट कर लिया है और इसकी जो साइज़ है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो, आपको छोटा या बड़ा रखना है या किसी भी टाइप का रखना है। इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर करूँगा गाइस, आपको अपने हिसाब से देख लेना है कलर करना है या फिर नहीं करना है, अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो आप। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं सोलर सेल लेने वाला हूँ गाइस, ये सोलर प्लेट्स नहीं है, सोलर सेल है। और एक सोलर सेल यहाँ पर 5 वोल्ट का है गाइस और यहाँ पर मैं 5 सोलर सेल का यूज़ करने वाला हूँ ताकि हमारी मोटर है उसको पावर मिलती रहे। यहाँ पर पीछे की साइड में आपको प्लस और माइनस टर्मिनल मिल जाएगा और गाइस इसका हम कनेक्शन करेंगे अब यहाँ पर। अगर आपको सोलर सेल काफ़ी कम रेट के अंदर परचेस करने हैं तो MB बाज़ार से आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और गाइस अब यहाँ पर आप इसके ऊपर कॉपर वायर का यूज़ करोगे सोल्डरिंग करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर वायर के ऊपर लेमिनेशन रहता है, उसको आपको छीलना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर ये सोल्डरिंग होगा। तो यहाँ पर मैं कॉपर वायर का यूज़ करूँगा इसके ऊपर कनेक्शन करने के लिए, आप किसी और वायर का भी कनेक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें सिंपल सा हमें कनेक्शन करना है कि जो प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल है वहाँ पर दो दो वायर कनेक्ट करने, एक एक वायर कनेक्ट करना है और उसके बाद सुपर ग्लू से हम चिपका देंगे वायर को, ठीक है, ताकि निकले नहीं। इसी टाइप से मैंने 5 सोलर सेल के अंदर यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है। अब डिस्क के ऊपर इनको इस टाइप से यहाँ पर सेट करना होगा ताकि हमारे 5 सोलर सेल जो है एक लेवल में आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से हम कर देंगे और अब यहाँ पर वायरिंग को पीछे की साइड में निकाले इसलिए यहाँ पर हम होल कर देंगे इसके पीछे की साइड में, ठीक है। फाइनली हमारे होल हो चुके हैं यहाँ पर और इनके पीछे की साइड से यहाँ पर हमारे वायर जो है सोलर सेल के निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पर इन सारों सोलर सेल को हम यहाँ पर सेट कर देंगे और ग्लू गन के द्वारा इनको अच्छे से चिपका देंगे। फाइनली गाइज हमारे जो सोलर सेल है वो यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है, चिपक भी गए हैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हो कि जो प्लस वाला जो वायर है हमने यहाँ पर इस डिस्क के बाहर की साइड में निकाला है और माइनस वाला जो टर्मिनल है उसको हमने अंदर की साइड में निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर इनको हम पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे। भाई यो कनेक्शन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। सीरीज के अंदर जो वोल्टेज अप होता है और पैरेलल के अंदर जो एम्पियर अप होता है, तो हम यहाँ पर एम्पियर अप करेंगे इसका। तो हमें वोल्टेज तो 5 वोल्ट ही चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबके प्लस 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 एक साथ कनेक्शन कर देंगे और माइनस 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 जो है वो सब एक साथ कनेक्शन कर देंगे। काफ़ी सिंपल सा कनेक्शन है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सारे सोलर सेल के प्लस एक साथ और माइनस एक साथ कनेक्शन करने हैं। अब यहाँ पर मैं एक मोटर का यूज़ करने वाला हूँ, वाटर पंप का यूज़ करेंगे और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ हमारा है, पानी के अंदर डूबो के आप भी चलाओगे तो भी हमारा ख़राब होने वाला नहीं है। और ये 3 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं, इसके अंदर 3 वोल्ट से 9 वोल्ट तक आप दोगे तो ये चलेगा आराम से। तो हम यहाँ पर 5 वोल्ट से चलाएंगे इसको, आराम से ये काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले रहा हूँ, मैं प्लास्टिक का पाइप ले रहा हूँ या फिर आप किसी पेन का भी यूज़ कर सकते हो, पेन होता है लिखने का उसका भी यूज़ कर सकते हो। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे फव्वारा बनाएंगे। तो फव्वारा बनाने के लिए यहाँ पर मैं कोल्ड ड्रिंक का केन का ढक्कन जो होता है उसका यूज़ करेंगे और इसके नीचे की साइड में प्लास्टिक शीट जो होती है उसको कट करके चिपका देंगे और ग्राइंडर से इसको बिल्कुल लेवल में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर ग्लू से चिपका के इसको लेवल में लेके आ जाते हैं। तो अब पीछे की साइड में एक बड़ा सा होल करेंगे और ऊपर की साइड में इसके फव्वारा का पानी निकल जाए इसलिए छोटे छोटे होल कर देंगे। और गाइस आपके लिए वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपको क्या करना है कि एक लाइक करना है और एक शेयर करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, किस शहर से, किस सिटी से और किस देश से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हमने क्या करा है, इस फॉर्मवेयर को बना लिया है, हमारे पाइप को भी फिट कर दिया है, और मोटर के यहाँ पर हम इसको रिमूवेबल रखेंगे, कभी हमें निकालना होगा तो हम निकाल सके इस टाइप से। इस डिस्क के बीच वो बीच हमें यहाँ पर एक होल करना होगा ताकि हमारी मोटर हम फिट कर सके, और मोटर को पीछे की साइड में यहाँ से फिट करेंगे हम। और गाइस अब यहाँ पर इसको ग्लू गन से चिपका देंगे। गाइस अगर आपको मोटर भी चाहिए, ये वाटर पंप को चाहिए, तो आपको एमवी बाज़ार पर कम रेट के अंदर मिल जाएगा, और एमवी बाज़ार पर बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से परचेस कर सकते हो काफ़ी कम रेट के अंदर। अब हमारे मोटर के जो कनेक्शन है उनको हम कर लेंगे हम किसी भी एक पॉइंट में, प्लस का वायर प्लस में और माइनस का वायर जो माइनस में हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मोटर का वायर हमने कनेक्शन किया सोलर सेल में, आप कोई से भी टर्मिनल पर कनेक्शन कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है पैरेलल में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और पैरेलल में जो है सबका सब एक ही जगह पर वोल्टेज आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पानी का टब ले लूँगा मैं, उसके अंदर पानी भर देंगे यहाँ पर अच्छे से, और पानी जो है आप टब के अंदर भी चला सकते हो इसको, या फिर आपके पास पूल है तो उसके अंदर भी लगा सकते हो, टंकी है तो उसके अंदर भी लगा सकते हो, ठीक है। सिंपली अब यहाँ पर मैंने इस टब के अंदर यहाँ पर डाल दिया हमारा इस फव्वारे को, और अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको धूप के ऊपर ले जाएंगे, धूप के यहाँ पर ले जाएंगे, और यह चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी आप साउंड सुनिए इसका, आपको धीरे धीरे साउंड आ रहा होगा, मोटर चल रही है, जैसे मैं हाथ रखता हूँ तो मोटर बंद हो जाती है और मोटर चालू है, ठीक है। अभी जैसे देख सकते हो मैं हाथ हटाता हूँ, हमारा फव्वारा चालू हो जाता है, और रियली में गाइस आप देख सकते हो कि हमारा फव्वारा कितना अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पर, मतलब इसका पानी प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। अभी जैसे मैंने हाथ रख लिया है तो यहाँ पर हमारा फव्वारा बंद नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल डीम डीम चल रहा है, बिल्कुल लाइट लाइट चल रहा है, क्योंकि हमारा जो पूरा वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है इसको, और जैसे मैं हाथ हटाऊंगा इसको अच्छे से वोल्टेज मिलेगा। अब जैसे मैंने दो तीन सेल को ढक दिया तो ये बिल्कुल बंद हो चुका है, अब जैसे मैं इसके ऊपर से हाथ हटाऊंगा तो हमारा ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि मतलब जैसे धूप गिरेगी इसके ऊपर और ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। सोलर है, इसके अंदर ना तो कोई बैटरी लगाई हमने, ना कोई हमने कनेक्शन किया है, डायरेक्टली ये धूप से चल रहा है यहाँ पर। और गाइस ये जो है आप इसको रख दीजिए, जब तक इसको धूप मिलती रहेगी, जब तक ये चलता रहेगा, इसका जो मोटर है वो भी ख़राब नहीं होगा, और सोलर सेल तो ये ख़राब नहीं होंगे क्योंकि इनके ऊपर लेमिनेशन रहता है, ये कोई ख़राब होने वाले नहीं है, कितने ही साल रखो इसको आप। और मोटर जो है वाटरप्रूफ है, उसमें भी कोई ख़राब होने की टेंशन नहीं है, आप इसको धूप में रखिए और लगातार चलता रहेगा यहाँ पर। तो ये वाला आप देख सकते हो कि आप अपने पुल में लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा गाइस, ये डेकोरेशन का सामान है, और अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदोगे अमेज़न फ्लिपकार्ट इनसे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलेगा गाइस, ये पूरा बना हुआ मिलता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, लेकिन आप इसको घर पे बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फव्वारा हटा दिया है, इसकी बस मोटी सी धार आ रही है, तो आपको ये छोटी दिख रही होगी, क्योंकि गाइस आपने देखा होगा जब भी हम मोटर चालू करते हैं उसकी मोटी धार होती है तो काफ़ी दूरी तक नहीं जा पाती, लेकिन हम उसमें अंगूठा लगाते हैं तो काफ़ी प्रेशर लगने लगता है, तो उसी टाइप से ये फव्वारा भी काम करता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमारा वर्क कर रहा है यहाँ। तो यार भाइयों, आप सभी ने देखा भी हमारा सोलर फाउंटेन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको मोटर, सोलर सेल्स और कुछ सामान चाहिए तो आपको एमवी बाज़ार पर काफ़ी कम रेट के अंदर मिल जाएगा, अदर वेबसाइट के मुकाबले आप जाकर कंपेयर कर सकते हो और उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, आप अगर प्रीपेड करोगे तो आपको जो है मतलब कैश ऑन डिलीवरी का जो चार्ज है वो नहीं देना पड़ेगा। और भाई एमवी बाज़ार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर एक बार कंपेयर करके जरूर देखना। आप मैं यूँ नहीं बोल रहा आप जाकर परचेज ही कर लीजिए सामान, आपको अच्छा लगे तो ही करना, नहीं लगे तो मत करना, लेकिन एक बार कंपेयर कर लीजिए प्राइस को, आपको कम रेट लगेगी, यकीनन लगेगी, ठीक है। और कैसा लगा ये वाला वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आप सभी के लिए वीडियो बनाने में। मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।